जय दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी हिंदी की जो फ्री इनिशिएटिव है आराधन बैच, इसका हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस आराधन बैच में हम लोग की कोशिश रहेगी, ठीक है, यूपीएससी के पीवाईक्यू, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू। पहली चीज़ तो यह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि उन टॉपिक से रिलेटेड अगर दोबारा प्रश्न आते हैं, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में दोनों में ही टॉपिक पीवाईक्यू के रिपीट करते हैं, तो पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, या तो टॉपिक जैसे 5 या 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा, जैसे केशवानंद भारती केस, अभी 50 साल पूरे हो रहे हैं, रिसेंट में पूरे हुए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है, प्रॉपर जिस पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत हो प्राणों से प्राणों पर। तो निराला जी की इन पंक्तियों को याद करते हुए आज इसका शुभारंभ किया जाता है पॉलिटी के साथ। पॉलिटी के हम 10 PYQ आज इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। पहला PYQ आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, प्रयास है इसको बाइलिंगुअल करने का, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी टेक्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, मैं जो जो कीवर्ड्स होंगे वो देख लूंगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये 2013 का यूपीएससी का PYQ है, ठीक है। क्या प्रश्न था कि जो प्रांतों से संविधान सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, जैसे भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में भारत आजादी के साथ जो भारत था वो प्रांतों में बैठा हुआ था और देसी रियासतों में बैठा हुआ था, ठीक है, कुछ प्रोविंस थे और कुछ जो थी वो देसी रियासतें थी, ठीक है। तो प्रोविंस के जो सदस्य थे, प्रांतों से जो संविधान सभा के सदस्य थे, तो ऑप्शन है प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द प्रोविंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नॉमिनेटेड थे, नामित थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे और सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ठीक है। तो इसका कमेंट करके इसका पहले तो उत्तर बताइए, उत्तर सोचिए, तब तक मैं इसके बारे में कुछ आपको बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान सभा की अगर मांग की बात की जाए तो 1934 में सबसे पहले एम एन रॉय का नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर आपने देखा होगा तमाम तरह के डेवलपमेंट चलते हैं, ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव नेहरू नेहरू जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1938 में 1938 में घोषणा की थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मांग है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया जाए और कोई भी इसमें बाहरी इंटरफियर ना हो, ठीक है। तो नेहरू जी आते हैं, फिर नेहरू जी, तो एम एन रॉय के बाद नेहरू जी, उसके बाद आपने देखा होगा अगस्त प्रस्ताव स्वीकार होता है ना, और फिर कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन बेसिकली 1946 में आया था, ठीक है, इसके पहले जो है वो 1942 में भी स्टेफर्ड क्रिप्स ये लोग आते हैं एक प्रारूप लेकर के, लेकिन वो पोस्ट डेटेड चेक, ये सब आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो भारतीय संविधान सभा की अगर मांग की बात की जाए तो 1934 में सर्वप्रथम एम एन रॉय द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1938 में नेहरू जी के अनुरोध पर या आग्रह पर या नेहरू जी के इंटरफेरेंस के बाद अगस्त प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वीकार करती है, और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन जिसमें लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये तीन लोग थे, ठीक है, एवी एलेक्जेंडर, पैथिंग लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, ये आता है क्रिप्स मिशन, सॉरी कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा, ठीक है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। टोटल इनिशियली अगर बात करें तो 389 सीट रहती है, लेकिन जब मुस्लिम लीग की मांग धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन की स्वीकृत हो जाती है, तब आपने देखा होगा कि ये 289 से घट करके आ जाते हैं 299, ठीक है, आपको पता होगा 299 घट के आ जाता है। इस 299 में से 229 देसी रियासतों द्वारा, 229 जो है ब्रिटिश प्रांत थे, जो कॉलोनियल प्रांत थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस, वहां से चुने जाते हैं, और देसी रियासतें जो थी उसमें 70 चुने जाते हैं, ठीक है। 229 जो सीटें रहती हैं इस पे जो चुनाव होता है, ये जो वहां की विधानसभा होती हैं वो चुनती हैं, यानी कि प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के मोटी मोटा 10 लाख पर एक सीट दे दी जाती है। तो 229 जो सीटें रहती हैं, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत को जो आवंटित की गई जो सीटें थी वो असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा उसका चुनाव किया जाता है, प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है असेंबली के उस समुदाय के सदस्यों द्वारा। बेसिकली 229 सीटें, ऐसे आप समझिए, इन 229 सीटों को
हिंदू मुस्लिम और सिख, ठीक है, हिंदू मुस्लिम और सिख के आधार पे बांटा जाता है, और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का जो चुनाव होता है, प्रतिनिधियों का, सीटों पर जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, प्रांतीय जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बेसिकली एकल संक्रमणी मत प्रणाली, सिंगल वोटर ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा 229 सीटों का किया जाता है। ये जो 70 सीट होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित किए गए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा ये निर्वाचित किए गए थे, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, ठीक है। आपको कूट दिए गए थे, एक और दो, एक और तीन, केवल दो और एक दो तीन, ठीक है। बेसिकली जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ये चार्टर एक्ट बेसिकली भारत में कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि भारत के व्यापार को सारे ब्रिटिशर्स के लिए खोल दिया जाता है, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके, ठीक है। बेसिकली जो चाय और चीन का साथ जो व्यापार था उस पर कंपनी का एक अधिकार बना रहता है, लेकिन 1813 के एक्ट के माध्यम से जो है ये खत्म हो जाता है। लेकिन एक प्रमुख कारण इसमें और मिलता है, इसमें प्रोविजन था चार्टर एक्ट 1813 में कि ईसाई मिशनरियों को भारत आकर के लोगों को प्रबुद्ध, ठीक है, नॉलेजेबल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि ये उनका महान कार्य है, उसके बिना भारत के लोग प्रबुद्ध नहीं बन पाएंगे, ठीक है। भारत के लोग प्रबुद्ध कब बने, 1813 में, उसके पहले भारत के लोग गंवार थे, सांपों चिड़ियों का देश कहा जाता था, और अंग्रेजों की महान अनुकंपा थी कि हम लोग इतना बढ़ पाए, ठीक है। अरे भारत सोने की चिड़िया का देश था। खैर 1813 के एक्ट के माध्यम से याद रखिएगा ईसाई मिशनरियों को भारत आकर के लोगों को प्रबुद्ध करने की बात की, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज रखा गया कि भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रसार की व्यवस्था की जाए, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार प्रसार की व्यवस्था की जाए, और इस वजह से 1813 के चार्टर एक्ट में भी अंग्रेजी शिक्षा के लिए मतलब प्रसार प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए का प्रावधान यहाँ पे दिखता है, ठीक है, 1,00,000 रुपए का प्रावधान दिखता है। तो इसलिए ये जो विकल्प है ये सही माना जाएगा, ठीक है, पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की जो प्रचलित प्रणाली थी, ठीक है, उसको हतोत्साहित करने का प्रयास किया, और जो पश्चिमी शिक्षा थी और अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया, ठीक है। 1813 के एक्ट में ही ये प्रोविजन किया गया कि 1,00,000 रुपए खर्च करके, चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। फिर 1823 में इस 1,00,000 रुपए को कैसे खर्च किया जाए, तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने पब्लिक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया, जिसकी जिम्मेदारी क्या थी कि जो 1,00,000 रुपए खर्च किए जाने वाले थे उसको कहाँ खर्च किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, कैसे भारत में ओरिएंटल जो शिक्षा, हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली चल रही थी, वैदिक गणित चल रहा था, जो भी हमारे सिस्टम थे उसको कैसे खत्म कर दिया किया जाए, उस पर 1,00,000 रुपए खर्च करने की बात की गई। तो ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। और जो प्राच्य और आंग्लविद जो विवाद है, ठीक है, बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 10 यूरोपीय सदस्य थे, पांच, ठीक है, तो पांच उसमें जो थे वो प्राच्यविद थे, पांच उसमें आंग्लविद थे, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक वो एंग्लिस्टिक बोले गए, आंग्लविद बोले गए, और जो ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है, जैसे प्रिंसेप जो थे वो ओरिएंटलिस्ट थे जहाँ तक मैं याद करता हूँ, और ट्रेविलियन जो थे वो प्राच्यविद थे, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, तो आप इसको विकल्प डी सही मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पहले से पढ़ने से पहले, प्रश्न पढ़ने के बाद पहले उसका कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। ये 2019 में फिर से चार्टर एक्ट का प्रश्न आ जाता है। प्रश्न है कि 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, अभी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, कंपनी द्वारा अधिकार में ले गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया, ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देखेंगे। तीसरा है, भारत का राजस्व और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। देखिए दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए आपको नहीं पता है, ठीक है, पहले इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लग जाते थे, दूसरा स्टेटमेंट मान लीजिए आपको नहीं जानकारी है, पहला स्टेटमेंट आपको कंफर्म है कि ये सत्य है,
ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आता है, 1858 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। 1858 के चार्टर एक्ट में जो भारत का शासन है वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला जाता है, गवर्नर जनरल का जो पदनाम है वो बदल करके भारत का वायसराय कर दिया जाता है, भारत में जो है एक नए पद का सृजन वहां पे इंग्लैंड में किया जाता है, भारत का राज्य सचिव जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण शक्तियां नियुक्त हो जाती हैं, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता है और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो राजस्व है ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कब आ जाता है, 1858 में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और जो आप देखेंगे तीन कहां है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए, इसमें ए सही हो जाता है, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट पर हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, ठीक है। बेसिकली 1935 का अधिनियम था वो भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पत्थर, मील का पत्थर साबित होता है, ठीक है। बहुत ही विस्तृत अधिनियम था, 321 इसमें आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 321 आर्टिकल थे, ठीक है। 10 शेड्यूल थे, 10 अनुसूचियां थी, तो बहुत ही विस्तृत वार्ष एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी, ठीक है। कुछ राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची इसमें दिया गया था, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन आपका है संघीय विधान पालिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर, ठीक है। तो जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई थी, हालांकि ये कभी असंघ अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया गया था, मना कर दिया था। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल को, ठीक है, गवर्नर जनरल। अच्छा, एक चीज और है, इसी 1935 के एक्ट के माध्यम से ही 1937 में सर मॉरिस ग्वेयर की अध्यक्षता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1937 में। तो ये एक आपको फैक्ट याद रखना है, हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे कि पहली बार 1937 में कौन इसका अध्यक्ष बना था, मतलब संघीय न्यायालय किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। एक प्रश्न और है 2019 का, किस प्रधानमंत्री जी के काल में भारत में संविधान में 9वीं सूची को स्थापित किया गया था, भारत में संविधान में 9वीं सूची को रखा गया था, ठीक है। तो बेसिकली चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा उत्तर यहाँ पे आपको सही लगता है, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर सही लगता है, ठीक है। पांचवी का कौन सा विकल्प सही है, तो बेसिकली भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 9वीं सूची कब रखा गया था, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके माध्यम से रखा गया था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो जाहिर सी बात है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जब 1951 में हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। बेसिकली 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल अभी मैं दिखाऊंगा आप लोग को, 9th शेड्यूल में ऐसे विषयों को रखा गया है जिसमें, मतलब इसके अंतर्गत जो भी शामिल किए जाएंगे अधिनियम या जो भी विनियम इसमें शामिल किए जाएंगे उनको न्यायिक उन्मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं हो सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 24 अप्रैल 1973 जब केशवानंद भारती वाद आया, ठीक है, तो उसके बाद के जो संविधान संशोधन थे, यानी कि 1973 के बाद के जो भी इसमें विधियां रखी गई थी संविधान इस केशवानंद भारती वाद, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें विधियां रखी गई थी वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आती है, उसके पूर्व को न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान है, ठीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, पांचवे का ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फिर उसी पे आ भी जाता है, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2019 में 9वीं अनुसूची में प्रश्न पूछा, ठीक है, 2018 में भी 9वीं अनुसूची में प्रश्न पूछा, तो पीवाईक्यू का अगर आपका तैयार है तो कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपका तैयार है तो आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है, 9वीं अनुसूची तैयार कर लीजिए, हो गया, ठीक है। यानी कि जिसने 2018 के पीवाईक्यू को लगाया होगा, जाहिर सी बात है 2019 में ये उसको एक फ्री में क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ठीक है। दूसरा है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। पूछा है कौन कौन से सही है, तो अभी मैंने बताया था कि बिल्कुल भारतीय संविधान का प्रथम जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। और अभी तक इसमें लगभग 284 मतलब मान के चलिए 290 के लगभग आसपास विधियां डाल दी गई हैं, ठीक है। लेकिन पहला स्टेटमेंट तो सही है, संविधान में के जो शेड्यूल है नवा शेड्यूल 9th शेड्यूल उसमें जो विधि डाली है वो कौन डालेगा, तो देश की संसद डालेगी। लेकिन
अभी मैंने बताया कि जो 1973 है, बेसिकली 2007 में कोहेलोवाद, ठीक है, कोहेलो 2007 में कोहेलोवाद आता है, ठीक है, आई आर कोहेलो, ठीक है, आई आर कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु वाद, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि संसद को 9वीं अनुसूची में कोई विधि को अगर रखना हो तो बिल्कुल रख सकता है, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, ठीक है। कब तक नहीं है, तो कोहेलोवाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि 24 अप्रैल, अभी मैंने जो ऊपर जिक्र किया था, 24 अप्रैल 1973, इसके बाद से अगर आप कोई भी विधि इसमें डाल रहे हैं, केशवानंद भारती वाद के जो निर्णय की जो तिथि थी उसके बाद 9वीं सूची में अगर कोई भी विधि आप डाल रहे हैं तो वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इसके आधार पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक है, ठीक है, दल बदल विरोधी कानून है, ठीक है। आपको पता होगा 52वां, ठीक है, 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। हालांकि इसके पहले 1974 और 1975 इसमें भी एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया था, लेकिन जब सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा दे दिया गया तो 10वीं अनुसूची को फिर से खत्म कर दिया गया था। फिर बाद में बायो ने संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखे गए थे, ठीक है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ये भी देखिए 2014 का भी प्रश्न 1998 में पूछा गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे दूसरी सूची क्या है, आठवीं सूची क्या है, पांचवीं सूची क्या है, दसवीं सूची क्या है, ठीक है, आज एक कॉन्सेप्ट भी देखते चलेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, फिर अनुसूची वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों को नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन है थर्ड, तीसरी अनुसूची, नौवीं सूची, पांचवीं सूची और बारहवीं सूची। इसके बारे में प्रश्न पूछा है, बेसिकली ये प्रश्न जो है आप अगर ध्यान देंगे तो तीसरी अनुसूची क्या है, ठीक है, मैं एक बार आपको अनुसूची दिखाई देता हूं, ठीक है। भारतीय संविधान आप खोलेंगे, ठीक है, बैरक आप जरूर रखिएगा, बैरक से फायदा आपको ये होगा कि जब भी आपको देना तो मूल टेक्स्ट जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे देखिए पहली अनुसूची क्या है, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में भारतीय संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सब के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब के बारे में, सीएजी वगैरह के बारे में, जो उसके वेतन भत्ते हैं उसके बारे में उपबंध है। तीसरे में क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान है। चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवें में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जातियों के प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए, तो तीसरी अनुसूची क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञान। नौवीं अनुसूची क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भी ऐसे विधि जिनको संसद न्यायिक उन्मुक्ति जुडिशियल रिव्यू से बचाना चाहती है उसको रख सकती है नौवीं शेड्यूल में। पांचवीं अनुसूची क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में प्रावधान। और बारहवीं अनुसूची क्या है, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, अभी हम लोग देख लेते हैं पूरी। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको अनुसूची पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है वो पांचवी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में जो प्रशासन के बारे में उपबंध है वो आपको छठी अनुसूची में है। सातवीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसके बारे में है। नौवीं अनुसूची अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, जो ऐसे अधिनियम जिसको जुडिशियल रिव्यू से बताना है। दसवीं अनुसूची दल बदल पे है, ठीक है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के संदर्भ में, बारहवीं अनुसूची नगर पालिका या नगर पंचायतों के या नगर निगम, मतलब बेसिकली नगर प्रशासन के संदर्भ में, ठीक है। ग्यारहवीं सूची ग्राम प्रशासन, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अगला प्रश्न है, तो इसका विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, आठवीं का बी, ठीक है। बेसिकली समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको
जो संविधान का पांचवा शेड्यूल है उसके अनुसार, उसके आधार पे अगर आपको किसी शेड्यूल्ड एरिया में जनजाति भूमि को अगर आपको लेना है तो पांचवी अनुसूची के तहत अगर आपको उसकी क्या बोलते हैं पट्टा निरस्त करना होगा, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड करना है, तो आप फिफ्थ शेड्यूल के तहत कर सकते हैं क्योंकि उसके प्रशासन के संदर्भ में फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो बेसिकली ये तो आसान प्रश्न है, ठीक है, ये आपको हलवा अगर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो ये हलवा टाइप का प्रश्न है, 2017 में पूछा भी था। ठीक है, तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वो प्रीएम्बल में प्रदर्शित होता है, प्रीएम्बल में, ठीक है, जो कि नेहरू जी ने 22 जनवरी 1947, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, और नेहरू जी ने इसको दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 इस दिन इसको प्रस्तुत किया था, और फिर 22 जनवरी 1947 को हम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं डेट सही कर दूं, 1947, ठीक है, तो 23 जनवरी 1947 को अडॉप्ट होता है और 13 दिसंबर 1946 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इसके परिवर्तित स्वरूप ही संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की, विश्वास की और आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, फिर से देखिए बेयरक खोलिए और देखिए क्या क्या है। ठीक है, क्या बता रहा है, पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को तीन तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, लेकिन स्वतंत्रताएं कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो किन लोग के कितने प्रश्न आपके सही हुए, 10 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा, वीडियो कैसा लगा इसको बताइएगा, आगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसको बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।